Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. How are you? Hope you will be fine by the grace of Allah, inshallah ta'ala. Okay, हम लोग द ट्रैप नंबर 2, लेसन नंबर 1 की हम लोगों ने पहले रीडिंग की थी. आज इंशाल्लाह हम लोग उसके वर्ड सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे. जी आप भी मेरे सर अपने नोटबुक्स ओपन कीजिए और जैसे मैंने नोट डाउन किया ऐसे ही आपने बेटा अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करना है. तो हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. वर्ड्स सिनोनिम्स मायनी, ठीक है. वर्ड्स यानी अल्फाज सिनोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड्स की इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स, और मायनी तो आपको पहले पता होगा वर्ड्स वर्ड्स की इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग, ठीक है. फर्स्ट वन इज ट्रैप, TRAP, ट्रैप. इसका सिनोनिम्स है आर डिवाइस फॉर कैचिंग, RDEVICE डिवाइस, F फॉर फॉर, CATCH, ING कैचिंग, अ डिवाइस फॉर कैचिंग यानी किसी भी चीज को पकड़ने के लिए कोई आला या डिवाइस होना यानी फंदा, ठीक है. आपको याद है ना टाइगर भी एक ट्रैप में जो है वो जो टाइगर था वो एक ट्रैप में उन्होंने उसको बंद किया हुआ था. नेक्स्ट है awful, AWRFUL, फुल, awful यानी ड्रेडफुल, DREADFUL, फुल, ड्रेडफुल यानी होफनाक. नेक्स्ट वन इज इमीजिएटली, IMMEDIATELY, इमीजिएटली यानी क्विकली, QUICKLY, क्विकली, फोरन. नेक्स्ट है बुललॉक, BULLOCK, बुललॉक. इसका सिनोनिम्स है ऑक्स, OX, ऑक्स यानी बैल. नेक्स्ट रबिश, RUBBISH, रबिश. डर्ट, DIRT, डर्ट यानी कूड़ा. नेक्स्ट एग्री, AGRE, एग्री. इट्स सिनोनिम इज कॉन्सेंट, CONSENT, कॉन्सेंट यानी रजामंद होना. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आप क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वाज द रोड अनहैप्पी, जो रोड था जो सड़क थी वो क्यों जो है वो नाखुश थी. आंसर इज द रोड वाज अनहैप्पी, कि रोड या सड़क जो थी वो नाखुश थी बिकॉज, क्योंकि पीपल वॉक एंड रोड ऑल ओवर इट एंड थ्रू रबिश ऑन इट, कि वो जो रोड थी वो इसलिए नाखुश थी क्योंकि जो लोग हैं उस पर चलते हैं, उस पर यानी कि पैदल भी चलते हैं, गाड़ियों में भी जाते हैं, और उसके ऊपर सबसे जो बुरी बात है जो वो इसलिए नाखुश थी कि उसके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं. मैंने बेटा पहले भी आपसे कहा था कि सड़क पर गलियों में हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है. तो आप मेरे साथ प्रॉमिस पहले भी किए थे, आज भी आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आप सड़क पर गली में स्कूल कहीं भी जो वो कूड़ा वो नहीं फेंकेंगे, उसको हम लोग बिन में गिराएंगे इंशाल्लाह. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री, कि जो लोग थे वो दरख्त को कैसे जो है वो हर्ट करते थे. आंसर इज दे टुक इट्स फ्रूट एंड कट इट्स ब्रांचेस, के जो लोग हैं उसके फल भी ले जाते थे और उसकी जो शाखें हैं वो काट देते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप, कि किसने टाइगर को फंदे में से बाहर निकाला था. तो इसका तो आपको पता ही होगा, आंसर है द बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप, कि एक लड़के ने टाइगर को फंदे में से बाहर निकाला था. क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हु पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप, कि किसने जो टाइगर है उसको दोबारा ट्रैप के अंदर जो लेके गया था, किसने उसको दोबारा ट्रैप के अंदर डाला था. तो आंसर था जैकल पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप, कि गीदड़ ने टाइगर को फंदे के अंदर दोबारा डाला था. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बेटा डू यू थिंक दैट द बुल लॉग वाज वेरी स्ट्रांग, कि आपके ख्याल में जो बैल है कि वो बहुत मजबूत यानी ताकतवर था. तो आंसर है इसका यस, जी हाँ, द बुल लॉग वाज वेरी स्ट्रांग, के बुल लॉग जो वो बहुत स्ट्रांग यानी ताकतवर था बिकॉज, क्योंकि इट वर्क्ड हार्ड ऑल डे, क्योंकि वो तमाम या पूरा दिन बहुत मेहनत वाला काम करता था. ठीक है बेटा, आज हमारे वर्ड्स सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुक वर्क करेंगे. टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज.